अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। आई नो यार, आप लोगों के माइंड के अंदर क्या चीज़ चल रही होगी। भाई मैं पहले टूर के ऊपर गया हुआ था, उससे पहले मैं वैसे ही वीडियोज़ नहीं बना रहा था, भाई माइंड काफ़ी ऑफ चल रहा था। और अभी मैं टूर से वापस आऊँ, भाई माइंड और ज़्यादा ऑफ चल रहा है। पहले गर्मी से सर्दी के अंदर गया, सर्दी से दोबारा गर्मी के अंदर, तो बॉडी भी कह रही भाई क्या सीन चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। तो अब आज के बाद भाई आई एम 100% फोकस्ड। अब मैं इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करूँगा, भाई काफ़ी ऑफ सीन चल रहा था। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से बैक ट्रैक आने के पर अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा जो कि बीच में छूट गई हुई थी। आज मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ द टेक शो की, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को नॉर्मलाइज होने के अंदर टाइम थोड़ा सा लगेगा, कोई 1-2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद हम लोग दोबारा से उसी ट्रैक पर आ जाएंगे। बात करें पहली अपडेट की जो कि एप्पल के बारे में, तो भाई एप्पल का जो WWDC इवेंट था वो हो चुका हुआ था। एक चीज़ जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग लगी हुई है, कि आप लोग अब लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकोगे। लाइक आप डिफरेंट पिक्चर्स को अप्लाई कर सकोगे, डिफरेंट जो क्लॉक्स हैं उनको यूज़ कर सकोगे, डिफरेंट पैटर्न्स को यूज़ किया जा सकेगा। अगर आपकी जो पिक्चर है उसके अंदर डेप्थ है ना, ब्लर वगैरह, तो जो टाइम वाला क्लॉक है वो थोड़ा सा बिहाइंड द सीन 3D टाइप का आप लोगों को इफेक्ट मिलेगा, जो कि मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। प्लस जो स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन हैं उनको भी थोड़ा सा चेंज किया गया, अब नीचे से आप लोगों को मिलेंगे। लाइक पहले सेंटर में के अंदर होते थे ना, अब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाया करेंगे, आप लोगों को रीडिंग के अंदर थोड़ा सी जो है ना आसानी हो जाएगी। तो इस किस्म के आप लोगों को फीचर्स मिलने वाले हैं, और भी छोटे मोटे फीचर्स हैं लेकिन वो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉक स्क्रीन अभी तक इंपॉर्टेंट चल रही है। बीटा स्टेज के ऊपर अभी टेस्टिंग चल रही है, आप लोग जो बीटा वर्जन है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। जो ऑफिशियल वर्जन है वो तो आईफोन 14 सीरीज के टाइम के ऊपर ही लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अगर आप अभी कोई पंगा शंगा लेना चाहते हो तो डेफिनेटली जो बीटा वर्जन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई जो आईफोन 6 और 7 सीरीज है उसको एप्पल वालों ने निकाल दिया हुआ है, उन फोन के अंदर आप लोगों को अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। अगली अपडेट काफ़ी अनफॉर्चुनेट अपडेट, आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी नेटवर्क कंपनी का कोई मसला चल रहा होता है। तो आजकल जो है ना जैज़ का काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है। अगर आप लोगों के जैज़ का सिग्नल नहीं आ रहा है, डाटा नहीं चल रहा, तो उसके रीज़न ये है कि जैज़ वालों की जो केबल्स हैं, जो फाइबर्स हैं, वो कट हुई हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस चल रही है काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ के अंदर। तो अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, सिग्नल नहीं आ रहा जैज़ के, तो उसकी रीज़न ये है। वो लोग इसके ऊपर काम करें, डेफिनेटली इसको जल्दी से हल कर दिया जाएगा। आपका भाई इसी असर के अंदर चल रहा है, जो PTCL उसका भी इंटरनेट नहीं आ रहा। आज पता नहीं सुबह से कोई समझ नहीं आ रही, कल रात बारिश हो रही थी और अभी कोई किसी किस्म का इंटरनेट नहीं आ रहा। मोबाइल डाटा मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल डाटा बहुत ज़्यादा महंगा, टेलीनोर वालों को समझ नहीं आती। तो PTCL का भी इंटरनेट मसला चल रहा है। अगर आपका इंटरनेट नहीं आ रहा PTCL का, तो भाई आप अकेले नहीं हो, काफ़ी सारे लोगों का नहीं आ रहा। इसके बाद जो अगली अपडेट है, ये थोड़ी सी एक अच्छी अपडेट है। तो रेडमी की नोट सीरीज़ तो आ रही थी, लेकिन जो विदाउट नोट सीरीज़ है ना पाकिस्तान के अंदर, वो नहीं आ रही थी। रेडमी 9A 9C के बाद जो 10A और 10C वगैरह थे वो नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी रेडमी वाले रेडमी 10A को पाकिस्तान के अंदर लेके आने वाले, उन्होंने टीज कर दिया हुआ है। ऑल्दो के कल जो है ना उसकी लॉन्च डेट है 10/10, उन लोगों की कोई टैगलाइन वगैरह चल रही है। लेट्स सी कि भाई क्या 10/10 का मतलब है। कल इंशाल्लाह आप लोगों को अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाएगी, उसके अलावा उसका रिव्यू भी हम लोग कर लेंगे। तो आप लोगों को अगर रेडमी 10A का वेट था, तो वो फाइनली पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आ रहा है। इसके अलावा जो रेडमी 10C है उसके बारे में भी रूमर्स आ रहे थे कि वो भी आएगा, तो मैं भी पहले ये वाला फ़ोन है, उसके बाद जो 10C है उसको भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाए। लेट सी के रेडमी वाले प्राइस कितनी रखते हैं। इसके बाद अगली अपडेट है टेक्नो के बारे में, तो भाई फाइनली टेक्नो इज़ बैक इन द गेम। टेक्नो ने केमोन 19 सीरीज़ को ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ है। आप लोगों को 3 वेरिएंट्स मिलेंगे टेक्नो केमोन 19 प्रो और प्रो 5G वाला। पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी ये वाले मोबाइल्स आ रहे हैं। अब कौन से वेरिएंट्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग स्पेसिफिकेशन के ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्योंकि जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर ये वाले वेरिएंट्स आ रहे हैं, तब हम लोग स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे। एक चीज़ मैं लाजमी तौर पर मैंशन करना चाहूँगा कि जो डिज़ाइन है ना इस दफ़ा, वो काफ़ी प्रीमियम टाइप का रखा है। बैक साइड के ऊपर तीनों फोन्स के मुझे तो भाई ग्लास ही लग रहा था, पता नहीं ग्लास है या फिर नहीं है, प्लास्टिक ही होगी। फ्लैट साइड्स मिलेंगी, सर्कुलर शेप के अंदर आप लोगों को कैमरा का मॉड्यूल मिलेगा। देखने के अंदर जो डिवाइसेज हैं, इन रेंडर्स, इन पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही हैं। इस मंथ के एंड तक मैं भी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर केमोन 19 सीरीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। इंपोर्ट को लेकर कुछ मसले चल रहे हैं, आप लोगों को पता है कि इंपोर्ट पाकिस्तान के अंदर टोटली दोपहर लोगों ने बंद कर दी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। जो मार्केटिंग वाले फ़ोन्स होते हैं, वो मटेरियल होता है, वो भी इंपोर्ट नहीं कर पा रही कंपनीज, क्योंकि ये वाली सीरीज पाकिस्तान के अंदर ही बनेगी। लेकिन फिर भी जो कुछ माल मसाला होता है जो कि इंपोर्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, भाई उसको लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्लस एक जो सेंसर इन लोगों ने RGBW का सेंसर बनाया है सैमसंग के साथ मिलकर, उसको लेकर भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो कैमरा गेम है टेक्नो की ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस ब्रैकेट के ऊपर, अब और स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो
कैमरा के मामले के अंदर आप लोगों को डिवाइसेस डेफिनेटली पसंद आने वाली हैं। अगर बात की जाए नेक्स्ट अपडेट की जो क्या है कुछ भी नहीं के बारे में भाई नथिंग के बारे में, तो फाइनली उसकी जो फर्स्ट लुक है उसको टीज कर दिया गया है। इस किस्म का आप लोगों को डिज़ाइन मिलने वाला है। अब ये चीज़ का हमें पहले ही पता था कि ट्रांसपेरेंट बैक होगी, लेकिन टोटली तौर पर ट्रांसपेरेंट नहीं है। उन लोगों ने एक ट्रांसपेरेंट टाइप की शीट को बैक साइड के ऊपर लगाया, लाइक जो एक्चुअल पार्ट्स हैं ना जो अंदर लगे हुए हैं वो नज़र नहीं आ रहे, उन लोगों ने बस उसको ट्रांसपेरेंट टाइप की लुक दी है। देखने के अंदर जो डिज़ाइन है जो लुक है नो डाउट काफ़ी मुझे कमाल की लग रही है। मैं टोटली तौर पर सेल आउट हूँ। बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल है वो काफ़ी हद तक आईफोन 12 से मिलता जुलता है, लेकिन इन शॉर्ट देखने के अंदर डिवाइस नथिंग वालों ने काफ़ी इंप्रेसिव बनाई है। बैक साइड के ऊपर LED लाइट्स के इंडिकेटर्स मिलेंगे। ये आप लोगों को जो व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली लाइट्स हैं जो कि इंडिकेट करेंगे नोटिफिकेशन वगैरह के ऊपर। इतने भाई अभी तक जो हाइप है ना वो बन चुकी हुई है। लेट्स सी कि स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस कितनी होती हैं। लाइक स्पेसिफिकेशन तो टॉप एंड ही होंगे, काफ़ी हद तक फ्लैगशिप टाइप की होंगे, लेकिन थोड़ा सा कट डाउन किया जाएगा प्राइस की वजह से। प्राइस कितनी होती है ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस स्मार्टफोन को वो इंडिया के मार्केट के अंदर लाइक टोटली तौर पर टारगेट करने वाले हैं, विच मीन्स कि ये अपर मिड रेंज की कैटेगरी के अंदर कहीं पर स्टैंड करेगा। फ्लैगशिप से नीचे वाली जो कैटेगरी होती है मिड रेंज और फ्लैगशिप के दरमियान वाली, उस कैटेगरी के अंदर कहीं पर इसको प्लेस किया जाएगा। अब जहाँ तक बात है स्मार्टफोन के पाकिस्तान के अंदर आने की, तो आई डोंट थिंक ये वाला स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर आएगा। एक नई ब्रांड है, पहला फ़ोन है उनका वर्ल्ड वाइड, वो मे बी ना इसको लॉन्च करें पूरी मार्केट्स के अंदर। इसको यूरोप की मार्केट के अंदर, अमेरिका की और इंडिया की मार्केट के अंदर मोस्टली तौर पर टारगेट किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा। और अगर आप इसको अनऑफिशियली तौर पर लेके आओगे तो भाई बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ेगा, तो ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं होगी कि भाई आप लोग वेट करो पाकिस्तान के अंदर इसके आने का। स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, क्या ये सक्सेसफुल हो पाता है, क्या उनका एक माइंड प्लान होता है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन डिज़ाइन के मामले के अंदर तो उन्होंने टोटली तौर पर किल कर दिया हुआ है। बात करें आज की लास्ट अपडेट की जो कि पोको F4 के बारे में, तो पोको F3 के बाद भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे कि पोको F4 कब आ रहा है कब आ रहा है। इस टाइम के ऊपर आकर जो क्वेश्चंस थे ना वो आने खत्म हो गए हुए थे, लेकिन पोको F4 इज कमिंग क्योंकि उसके डिज़ाइन के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे हैं। इस किस्म का डिज़ाइन कहा जा रहा है, ये कोई ऑफिशियल फर्स्ट लुक टाइप की चीज़ नहीं है, लेकिन इस किस्म का जो डिज़ाइन है वो सोर्सेज लीक करें। बैक साइड के ऊपर आप लोगों को सर्कुलर टाइप का कुछ कैमरा का मॉड्यूल मिलेगा, फ्लैट साइड्स होने वाली हैं। जहां तक बात है स्पेसिफिकेशंस की, तो एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 1300 nits की ब्राइटनेस होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर है अगर हम लोग इस वक्त के स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। 64 megapixel का मेन सेंसर बैक साइड के ऊपर, अल्ट्रा वाइड सेंसर, मैक्रो डेप्थ सेंसर होंगे, डेफिनेटली 20 megapixel का सेल्फी कैमरा होगा। स्नैपड्रैगन 870 को यूज़ किया जाएगा। पावर के मामले के अंदर ये वाला जो प्रोसेसर है काफ़ी डिसेंट है, आप लोगों को काफ़ी गेमिंग के मामले के अंदर पावर मिल जाएगी, लाइक आप अच्छी गेमिंग कर सकोगे। तो लेट्स सी के इसकी प्राइस कितनी आती है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 67W की हुई है, हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलने वाली है। पहले ग्लोबल मार्केट के अंदर आएगा, फिर डेफिनेटली पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इसको लेके आया जाएगा। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ये डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि शाओमी 12 सीरीज आई थी, जो GT था वो भी पाकिस्तान के अंदर आया, तो ये वाला फ़ोन भी डेफिनेटली पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आने वाला ही है। इसके अलावा जो पोको X4 GT है उसके बारे में भी कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि आप लोगों को LCD 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, डायमेंसिटी 100 का प्रोसेसर होगा। तो लेट्स सी कि वो वाला फ़ोन कब ग्लोबल मार्केट के अंदर आता है, लेकिन इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में इकट्ठी लीक्स आ रही हैं। हो सकता है कि इन दोनों को एक ही टाइम के ऊपर लॉन्च कर दिया जाए। तो आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी। आई एम रियली सॉरी कि अगेन कि भाई इतने ज़्यादा छुट्टी की, अब मैं इतने ज़्यादा डिले नहीं करूँगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी तो वो पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों ने डिटेक्शो को मिस किया या फिर नहीं किया, यहाँ तक देख रहे हो तो लाजमी तो बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।